एक दिन हम डायनासोर और बीवर से मिलने गए थे। ये फिलिप जे क्यूरी म्यूजियम करके है, तो इस एरिया में अल्बर्टा में बहुत सारे डायनासोर्स मिले हुए हैं, तो इसमें सारे डायनासोर्स के बोन्स हैं। और पहुंचते पापा फोटोग्राफी करने लग गए। हट देखो मिशु, मिशु फोटो, मिशु फोटो, मिशु मिशु यहाँ से नहीं जाना है, मम्मा लेके जाएगी। अरुणा ने मिशु को बोला था एक फोटो खिंचाने के लिए के पॉकेट में हाथ डाल, यू पॉकेट से हाथ ही नहीं निकल रही है। मिशु हटे, मिशु हटे, चलो चलो। मिशु पॉकेट से हाथ ही नहीं निकल रही ना बेटा। सबसे पहले हम फेका नाम के डायनासोर से मिले, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी। फिर हम एक गुफा में गए। डायनासोर देख माँ, पापा और मिशु भी हमारे पीछे पीछे आ गए। डायनासोर्स ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। डायनासोर वेजिटेरियन भी होते थे, जैसे ये डायनासोर है, बहुत ह्यूज होता है ना ये जो डायनासोर है ना बड़ी, ये सिर्फ घास खाता था। देख दिख रहा है पीछे, पीछे देख, दैट्स अ ह्यूज डायनासोर, यंग पैकी डायनासोर। ये एडमेंटोसॉरस के स्किन का प्रिंट है। म्यूजियम में उन्होंने चारों ओर स्क्रीन्स लगा के रखी हुई थी जहाँ पे डायनासोर्स आ जा रहे थे, और इस जंगल का माहौल था, और ऐसा लग रहा था कि हम जंगल के बीचों बीच खड़े हैं और डायनासोर्स हमारे आसपास घूम रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ की हवा जो है उसका भी उन्होंने ऐसे मेंटेन किया था कि उस समय की और जंगल की हवा हो, और म्यूज़िक भी ऐसा दिया हुआ था कि हमें उनके प्रेजेंस का एहसास हो। आपको पता है कुछ डायनासोर्स है ना बोट की तरह उड़ते भी थे। इमेजिन करो यार, जब ये असली में उड़ता होगा आसमान में कैसा लगता होगा। क्या बेटा किसे बनाया? इस डायनासोर की तो स्किन भी रियल लग रही थी। ये एक डिवाइस है जो बताता है कि लाखों करोड़ों साल में पृथ्वी के जमीन और पानी का नक्शा कैसे बदला है। को पता है डायनासोर्स एग से निकलते थे, जैसे ऑस्ट्रिच हेन के बच्चे निकलते हैं। ये एक डायनासोर का फीमर बोन है जो एक जो हमारा थाई बोन होता है वैसा, और ये उसका घुटना है जो एक नारियल जितना बड़ा था। वहाँ हमें एक पेलियंटोलॉजिस्ट मिले जो एक बोन को स्टडी कर रहे थे, और पेलियंटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो ज़मीन में गड़े हुए बोन्स और फॉसिल्स को स्टडी करके, उनको एक्सकवेट करके, उनको निकाल के लाइफ की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। तो ये सीटी स्कैन मशीन है, मतलब वैसे ही एक मशीन बनाया हुआ है, अंदर स्कल डाला है, और यहाँ पे आई कैन सी द बोन फ्रॉम इनसाइड के कहाँ कहाँ से है। ये उसका नेजल पैसेज है। पहले है ना एलिफेंट्स होते थे जिनके पास ब्लैक हेयर होते थे पूरी बॉडी पे, वो बहुत बड़े होते थे, और उनका नाम मैमथ था।
फिर हमने बैर देखे जिनके पास थिक फर थे ठंडी से बचने के लिए। और इस डरावनी कैट का नाम है भूल गई। फिर हम थक गए तो एक अच्छे डायनासोर ने हमें पीठ पे बिठा दिया। चाय, स्पेशल चाय। स्नैक टाइम। सब भेजने वाले हो क्या? फिर हम बीवर लॉज गए एक बड़े बीवर से मिलने के लिए। के बाद हम लायंस पार्क में बहुत खेले। फिर सैंडविचेस खाए, फिर घर चले गए। ओके बाय।